श्रमिकों का उत्पीड़न बंद करो। श्रम विभाग पर श्रमिकों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के नेता अर्जुन देव ने श्रमिकों के साथ कार्यालय में प्रदर्शन किया है। उन्होंने श्रम विभाग पर आरोप लगाया कि सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उन्हें नहीं दिया जा रहा है। पुत्री के विवाह के लिए जिन श्रमिकों ने आवेदन किया था उन्हें लाभ नहीं मिल सका है। इधर अन्य श्रमिकों ने भी सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि श्रमिकों को उनका हक नहीं दिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। वो पुराने हमने वो जो जमा किया था उसका कोई वो नहीं हो रहा है। आप उसको जो है वो ठेकेदार लोग कर रहे हैं, वो हमसे कर रहे हैं, वहाँ से बना के लाओ लाओ कितने बार बना दे वो अभी तक पता नहीं वो फाइल कहाँ है हमारी, कोई वो नहीं है। तो कोई वही ये मुझे शर्म विभाग वाला ये शर्म कार्ड बनाने थे। ये है ग्राम बिजोली लड़की की शादी, मैंने पूरी फाइल यहाँ जमा की सबकी, मेरे से भी इसी वालों को पैसे मिल गए। 5 साल हो गए मेरे को, जब मैंने फाइल यहाँ जमा, मैंने स्लिप भी है मेरे पास ही, मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ पूछने को आते थे ये हमारी बेइज्जती और आते तो वहाँ जाके पूछ लो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ करके हमें वो करते हैं, हमको कोई वो लाभ नहीं हो रहा है। गर सिंह साहब, मैं बिजोरी जा रहा हूँ, एक रहने वाला। 2019 में मेरी लड़की की शादी हुई थी तो जिसमें इन्होंने पूरा कागजात मेरे से लिए थे, तो उसके बाद दोबारा इन्होंने मेरे पास उसका जो है 2 कॉपी थे वो कागज फिर दोबारा लिए इन्होंने, बैंक के इस्टीमेट भी लिए मेरे से, मैंने इनको दिए, फिर तब भी इन्होंने बोला कि तुम्हारे कागजात गुम हैं। तो क्या चाह रहे हैं आप? तो मैं तो क्या चाह रहा हूँ साहब, मेरा वो मिलना चाहिए जो मेरे को हक है वो दिलाने की कृपा करें। सबके ये जितने लोग परेशान हैं तो आज श्रम कार्ड बन रहा है तो 90 दिन की हाजिरी मांग रहे हैं। कोई भी ठेकेदार 90 दिन का हाजिरी लगाने के तैयार नहीं है, काम 10 दिन का भी नहीं मिल रहा है, तो हर जगह से परेशानी है सभी लोगों को। और मैं कहना चाहूँगी ये चीज़ होना चाहिए और ये हमारा जो ये कन्यादान जो है ये बंद क्यों हो रहा है, इसको उपलब्ध होना चाहिए। देखिए आज विगत 4-5 साल से लगातार श्रम विभाग की जो नाकामियां हैं उन को मद्देनजर रखते हुए आज पूरे क्षेत्रीय लोग, ग्रामीण लोग, माताएं, महिलाएं सभी लोग हम इस विभाग में पहुंचे हुए हैं। देखिए जो श्रमिक कार्ड इनके द्वारा जारी किए गए थे पूर्व में, आज उनका नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है। उसके लिए जो दस्तावेज इन्होंने पूर्व में जब पंजीकरण किया था वही दस्तावेज नवीनीकरण के लिए भी मांग रहे हैं। आप एक श्रमिक व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के लिए दर दर भड़क रहा है, लेकिन इतने दस्तावेज, इतना जटिल प्रक्रिया इन्होंने कर दी है कि अपने दस्तावेज को इकट्ठा करने में असमर्थ हैं। और साथ ही हमारे रवाई खाल के निवासी हैं रघुवीर सिंह जी और दीदी हंसी देवी जी, इनकी बेटियों की शादी हो गई है 2020 में, इन्होंने कन्यादान के लिए यहाँ पर जो है अपने दस्तावेज लगाए थे, पूरी फाइल यहाँ पे जमा की गई थी। आज 5 साल हो गए हैं ये लोग श्रम विभाग का चक्कर काटते काटते परेशान है। जब इनसे पूछा जाता है कि क्यों नहीं हमें लाभ मिलता है तो इनके द्वारा पाया जाता है कि इनके सारे डॉक्यूमेंट्स, इनके पूरी फाइल विभाग द्वारा गुम कर दिया जाता है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा अत्याचार हमारे श्रमिकों के साथ किया जा रहा है। ना इनको रोजगार मिल रहा है, ना इनको यहाँ पर श्रमिक किट मिल पा रहे हैं। सारा पैसा श्रम विभाग का, करोड़ों का बजट यहाँ पे आ रहा है, पूरा घोटाला कर रहे हैं श्रम विभाग के अधिकारी कर्मचारी नेता मिलकर। जितना पैसा आ रहा है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, श्रमिकों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। और श्रमिकों को वास्तव में जो किट मिलने चाहिए थे, जो योजनाओं के लाभ मिलना चाहिए था, उनसे श्रमिकों को वंचित किया जा रहा है। ये कतई जो है इसको ये सहनीय विषय नहीं है, बहुत निंदा का विषय है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ और साथ में शासन प्रशासन और श्रम विभाग के कर्मचारियों को चेतावनी देता हूँ, अगर शीघ्र से शीघ्र ये अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं करेंगे और हमारे जो पूर्व में 2020 में जिनके दस्तावेज जमा करे हैं, जिनकी फाइल गुम हो रखी है, उनको कन्यादान से लाभान्वित नहीं किया जाएगा। और हमारे क्षेत्र के जनपद वासियों हैं, जितने भी जनपद के हमारे श्रमिक हैं, उनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनको किट नहीं मिलेगा। तो मैं इसी श्रम विभाग के सम्मुख यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगा और आवश्यकता पड़ने पर आमरण अनशन करने को भी मजबूर होगा। CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।